एसएल बीएल दीपन, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ईएलईएफ 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स की यूनिट रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाईज की टॉपिक पावर सप्लाई फिल्टर्स को लेंगे आज। पावर सप्लाई फिल्टर्स के अंतर्गत सबसे पहले कैपेसिटिव फिल्टर को एनालाइज करेंगे। पावर सप्लाई फिल्टर्स, इवन ए फुल वेव रेक्टिफायर डज नॉट प्रोवाइड रिपल फ्री वोल्टेज, दस द रेक्टिफायर्स प्रोवाइड ओनली पल्सेटिंग डीसी। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं होता है। वी कैन से आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी, देयरफॉर वी हैव टू कनेक्ट फिल्टर सर्किट्स एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। फिल्टर सर्किट्स आर यूज्ड टू फिल्टर और स्मूथ आउट द एसी वेरिएशंस फ्रॉम द रेक्टिफाइड वोल्टेज। Following types of filters are used at the output of the rectifiers. Any one of these can be used at a time. Following are the filter types. Number 1 is capacitive filter. Number 2 is inductive filter. Number 3 is LC filter. Combination of L and C. Or finally CLC or PI filter. So full wave rectifier ke saath main capacitive filter ko use karke uska output ऑब्जर्व, किस प्रकार का आउटपुट आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म दे रखी है इसमें जो डॉटेड लाइन से वेवफॉर्म है ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, और फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में कैपेसिटिव फिल्टर, देन फाइनली एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस या आरएल के अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगा, यानी एट द आउटपुट ऑफ फिल्टर वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। दिस इज वीएम, दिस इज वीडीसी एंड दिस इज वीआर। यानी कि जो कैपेसिटिव फिल्टर के आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिल रही है वो इस तरह की होगी। आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विद संट कैपेसिटर फिल्टर, a full wave rectifier provides a better DC than a half wave rectifier, but does not provide ripple free DC voltage. A shunt C filter at the output of the rectifier provides low resistance path for AC ripples. Agar rectifier ke output mein agar ek capacitor ko lagayenge, then uske parallel mein ek load resistance lagayenge, to capacitor jo hai wo रिपल्स को बाईपास करने का काम करेगा, रिपल्स को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। हायर वैल्यू ऑफ सी प्रोवाइड्स बेटर फिल्टरिंग ऑफ द रिपल्स एंड दस बेटर डीसी एट द आउटपुट इन द अबव वेवफॉर्म। इस वेवफॉर्म में जैसा कि आपने देखा कि ए बी सी डी मार्क कर रखा है, ए जो पॉइंट है यहां पर वेवफॉर्म में, in the above waveform at A, when rectifier output voltage rises above capacitor voltage, capacitor begins to charge. It charges up to Vm at point B. Point B पर ये जो rectifier का output voltage है उसकी maximum value तक charge होगा। After B, rectifier output voltage decreasing. उसके बाद में rectifier का जो output voltage है वो decrease हो रहा है। In that case, and therefore capacitor start discharging through RL. उस केस में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको चार्ज्ड कैपेसिटर जो है वो करंट सप्लाई करेगा, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू RL. एट पॉइंट सी इट अगेन बिगिंस टू चार्ज, सी पर अगेन वापस चार्ज होना शुरू होगा, क्योंकि एट दिस मोमेंट rectifier output voltage is greater than voltage across the capacitor. Again it charges maximum up to point D,
पॉइंट डी तक ये वीएम वैल्यू तक मैक्सिमम चार्ज हुआ. द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर कंस्टिट्यूट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द आरएल. इस तरह से जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है वो आउटपुट आरएल के अक्रॉस एक वेवफॉर्म बना रहा है जिसको अपन कहेंगे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म. नाउ दिस आउटपुट वोल्टेज हैज लेस रिपल्स देन आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर्स. रिपल्स कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सी. रिपल्स को फर्दर कम कर सकते हैं अगर सी की वैल्यू को बढ़ाया जाए. सी की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो उससे जो एक्ससी की वैल्यू होगी वो फर्दर रिड्यूस होगी. कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होने से एसी रिपल्स को जो पाथ मिलेगा वो और लो रेजिस्टेंस का हो जाएगा. एंड बाय वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड बाय एलसी और सीएलसी कॉम्बिनेशन. एनालिसिस. टोटल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वीआर. आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम वो वीआर है. पीक टू पीक इट इज वीआर. वीआर इज द रिपल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. नाउ वीडीसी इज इक्वल टू वीएम माइनस वीआर. वीडीसी इज इक्वल टू वीएम माइनस वीआर बाय 2. इन दिस वेवफॉर्म वीडीसी दिस वीडीसी इज इक्वल टू वीएम माइनस वीआर बाय 2. This is equation 1. Now charge loss during non-conduction. Discharge duration T2 through load is Q discharge is equal to IDC T2. This charge is replenished during time interval T1 in which voltage across the capacitor is increased by VR. So charge gained by C is Q charge is equal to C VR. In the steady state condition, Q charge is equal to Q discharge. Therefore, C VR is equal to IDC T2, where T2 is the discharging time, T1 is the charging time. VR is equal to IDC, therefore VR is equal to IDC T2 upon C. And VR can be further written as VR is equal to IDC upon 2FC because T2 is equal to T by 2. Since T1 is much less than T2, charging time is much less than discharging time. T2 is equal to T by 2, about almost equal to T by 2, and which is equal to 1 by 2F. Therefore, VR is equal to IDC upon 2FC. So we can write VDC equal to VM minus 1 by 2 IDC T2 by C. VDC is equal to VM minus IDC upon 4FC. VRMS less. RMS value of the ripple component of the output voltage is equal to VR by 2 root 3. Since it is a triangular waveform, almost triangular waveform, so its RMS value will be equal to VR upon 2 root 3. Ripple factor, therefore, it is equal to VRMS less upon VDC, which is equal to VR upon 2 root 3 multiplied by IDC RL, and which is further equal to 1 upon 4 root 3 FC RL. Thank you.